अच्छा, पेपर में कोई डाउट है क्या? लास्ट टेस्ट से किस किस के मार्क्स बढ़े हैं? लास्ट टेस्ट से किस किस के मार्क्स कम हुए हैं? बराबर ही रह गए? ओके, कोई क्वेश्चन में करेक्शन, आंसर की में सब क्लियर है? कोई पेपर में कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है? नहीं करना, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, अब तक आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका पुराने टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आज तक भी आप नहीं पढ़ रहे थे और आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब भी पूरा सब कुछ समझ में आएगा, उसका पुराने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? चलने दो, एसी बंद नहीं करना है, ठीक है? अरे तो ठंड लग, नहा के आया करो। नहा के आते नहीं हो, ठंड लग रही है, ठीक है? पेपर है किसी का? पेपर नीट का रिजल्ट भी आ गया, पता है आप लोगों को? अभी जस्ट डिक्लेयर हुआ है नीट का रिजल्ट। हाँ, जिसके 710 नंबर आ रहे हैं उसकी 500 समथिंग रैंक है, रिजल्ट आ गया, ठीक है? अभी जस्ट एंटर कर रहे थे तब आया रिजल्ट, ठीक है? होना ही है 15 स्टूडेंट के शायद। वो तो सबका ही जो है फर्स्ट रैंक मिलेगा, सभी 720 वालों को। हैं? नहीं, लास्ट ईयर क्राइटेरिया चेंज कर दिया था शायद, ऐसा बोला था कि जिसके भी 720 नंबर है सबको फर्स्ट रैंक। नहीं, और ऐसे 100 बच्चों को फर्स्ट रैंक मिल गया था, मतलब 720 वाले को एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा है? बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे। बहुत सारों का आया हुआ है। चलो, जो लास्ट, कोई बात नहीं करेगा आप वापस अपन, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है। इस ईयर का जो एग्जाम होगा, जो सेलेक्ट होंगे उनके लिए हम खुशियां मना लेंगे, आपको चॉकलेट वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है? मगर नेक्स्ट ईयर जो है हम सेलेक्ट हो जाएं, हमें मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो एक बार जो है रिजल्ट अभी थोड़ी देर में अपने को पता लग ही जाएगा, जब तक अपना क्लास खत्म होगा, हम अगले साल अपने रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? और बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। पेपर आसान, मतलब कंपटीशन टफ, ठीक है? हर टेस्ट में जो हमारा, जो भी जितने भी माइनर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर होंगे, मेरा टारगेट इतना सा हर पेपर का यही रहेगा। उस पेपर का ये टारगेट बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो या आपसे क्वेश्चन ना हो। मेरा टारगेट ये रहता है कि इस पेपर में से कोई ना कोई क्वेश्चन नीट एग्जाम में मैच हो जाए या सेम कॉन्सेप्ट मैच हो जाए, ठीक है? उसी के ऊपर पेपर बनाऊंगा, ठीक है? मुझे कोई मतलब नहीं आपको कितना आता है, आप किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे नहीं है, मगर जब नीट का पेपर हो तो आप देखेंगे यार ये वहीं से आ गया, हमारे दिमाग में भी लिखा था, पेपर में भी लिखा था, 3 बार पेपर में लगातार ये क्वेश्चन आया था और डायरेक्टली नीट में जो है यही पूछा गया, तो उसके ऊपर अपन काम करेंगे। तो उस पर ध्यान रखना, और दिमाग में कोई भी अंडरस्टैंड, किसी भी लेवल का कोई भी डाउट चल रहा हो बाहर आके पूछ सकते हैं, उसका कोई मना ही नहीं है, ठीक है? तो पेपर में तो ऑलमोस्ट कोई डाउट नहीं किसी को। एक घर जाके आज पेपर का एनालिसिस जरूर करें। पेपर का एनालिसिस करने के लिए इतना सा काम करें कि जितने क्वेश्चन आपने नेगेटिव करे हैं, पॉजिटिव करे हैं, डजंट मैटर, नेगेटिव जो करें वो क्यों करें उसका रीजन जरूर लिखें पेपर के पीछे। लास्ट में एक पेपर चिपका के लिखें, मगर जरूर लिखें हमारी क्या गलती रही है और अगले 2 दिन तक उस पर सुधार करें। क्योंकि भाई, जो ये जो सिलेबस था, ये सिलेबस नीट में आने वाला है। जिस सिलेबस पर आपको जो है 200 क्वेश्चन दिए गए थे, इस सिलेबस को जो है नीट में पूछा जाने वाला है। तो जो जो भी गलतियां, मान लीजिए किसी के 10 नेगेटिव, 15 नेगेटिव, 20 नेगेटिव, 30 नेगेटिव, कितने भी हो सकते हैं,
वो नेगेटिव क्यों हुए इस बात का पता लगाना। क्या मैं ए और बी में कंफ्यूज था, मैंने पेपर में ए लगाया था मगर जो है ओएमआर में जो है मैंने डी भर दिया, कोई भी रीजन हो सकता है। मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं करा मगर थोड़ा बहुत पढ़ा था इसलिए मैंने क्वेश्चन को करने की कोशिश करी और मैं गलत हो गया। ठीक है, उसका एनालिसिस करने के बाद जो है आप दूसरा एनालिसिस करना, जितने आपने राइट किए हैं वो कैसे हुए हैं, जो आपके गलत हुए हैं जो आपके राइट हुए हैं थोड़ा कंपैरिजन कर लेना उसमें अपने खुद के क्वेश्चंस में, कि राइट इसलिए हुए हैं क्योंकि जबरदस्त रिवीजन था, गलत इसलिए हुए हैं क्योंकि 70% जो है मेरे को टॉपिक तैयार था। तो जब भी आपका 70% टॉपिक रेडी रहेगा तब मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो परफेक्शन पे काम करो, अगले 2 दिन जो भी गलतियां करी है उस पर काम करो, उस टॉपिक को वापस से पढ़ो ताकि दोबारा अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो जाए नीट पेपर में। ठीक है, चाहे वो मेजर में आ जाए माइनर में आ जाए कभी भी आ जाए, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला टेस्ट आपका माइनर भी है और एक कॉमन टेस्ट भी है। ठीक है, कॉमन कब है, तो जिसको आप बेस्ट तरीके से बचा सकते हो, आज से मेरा सजेशन क्या है, जिसको आप बेस्ट तरीके से बचा सकते हो कॉमन और मेजर में से उसकी तैयारी पे लग जाओ। अगर कॉमन की तैयारी बहुत जबरदस्त है तो उस पर लग जाओ। ठीक है, ये प्रैक्टिस मैच है, आज किसी भी पेपर में आपके 700 नंबर आ गए या 710 आ गए या 715 भी लिया है तब भी हमें अभी हमें कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, और अगर हमारे 200 भी आए इस टेस्ट में तब भी हमारा कॉलेज नहीं रुका है, इस बात का ध्यान रखना। इस टेस्ट से ना कॉलेज मिला है ना कॉलेज रुका है, इस टेस्ट से हमें इतना सा पता लगाना है कि ये गलतियां मुझे दोबारा नहीं करनी, दैट्स ऑल। तो अगले 2 दिन आप उस पर एनालिसिस करेंगे, मेरी किसी भी तरह की आपको मदद की जरूरत है मेरे से टाइम के बारे में आप टाइम लेकर अलग से बात कर सकते हैं, पेपर से रिलेटेड, डिस्ट्रेक्शन से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई भी किसी तरह का हेल्प आपको चाहिए तो आप मेरे से तुरंत जो है अलग से मिले। ठीक है, बट अगले टेस्ट 30 तारीख को हमें फोड़ना है, उसमें हमें इंप्रूवमेंट करना है। जिसके 200 आए हैं उसको 400 लाने, जिसके 400 आए हैं उसको 500 लाने, अगले टेस्ट में आपको इंप्रूव करना है। अगर हर टेस्ट में आप इंप्रूवमेंट करते हुए चले तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे कॉमन नेमिंग, यही पढ़ रहे थे कॉमन नेमिंग, आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर एरोमेटिक का बता दिया था क्या, बता दिया था, ओके। देखो भाई, हमने दो तरीके से जो है टॉपिक को पढ़ा, तीन तरह के नॉमन क्लेचर हैं, उसमें हमने आयुपैक पहले पढ़ा, फिर कॉमन नेम, बात कोई नहीं करेगा ध्यान रखना, कॉमन नेम हमने पढ़ा, आयुपीएससी पढ़ा। कॉमन नेम को हमने जानबूझ के लास्ट में पढ़ा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन था वो हमने पहले पढ़ लिया। कॉमन नेमिंग को बच्चों जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, पहला ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट है चेन टर्मिनेटिंग, ठीक है, उनका कॉमन नेम किस तरह से दिया जाता है उसके बारे में बात करी, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है उनका कॉमन नेम कैसे दिया जाता है उसके बारे में बात करी। इन फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम देने का तरीका था, जैसे एक कार्बन यूज होता है तो यूज करते हैं फॉर्म, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपियॉन, चार के लिए ब्यूटायर, पांच के लिए वेलर और थ्री कार्बन वन पाई बॉन्ड एक्राइल, फोर कार्बन वन पाई बॉन्ड क्रोटॉन। ठीक है, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का एक एसिड, ईस्टर का ए, साइनाइड का ओ नाइट्राइड। इसी तरह से बच्चों इन फंक्शनल ग्रुप पर हमें जो कॉमन नेम देना होता है वो आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नियो पेंटाइल, इस तरह से आता है। तो मैंने आपको आइसो देखना सिखाया, सीएच पर अगर दो CH3 ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे, आइसो। नियो बनने के लिए कितने कार्बन, पांच, नियो में अगर आपको टोटल पांच कार्बन के साथ प्लस दिख रहा है तो आप समझ जाइए किसका स्ट्रक्चर है, नियो। ठीक है, ये बात जो है हमने डिस्कस कर ली थी, अगर आइसो नियो दोनों ना दिखे तो कार्बन का डिग्री देखें, 2 डिग्री दिखा तो सेकेंडरी और 3 डिग्री दिखा तो टर्शरी, इस तरह से हमने बात करी। फिर कॉमन नेमिंग के जो है फेल्योर थे उसके बारे में भी बात करा, मैंने आपको अलाइल भी बताया, विनाइल भी बताया, इसके बारे में बता दिया था, थोड़ा सा पोर्शन है, उसके बाद जो है हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, यही कॉमन नेम पर हम जो है थोड़ी बात कर लेते हैं। एक होता है बच्चों जिसका नाम है डिराइव नेम, क्या नाम है, डिराइव नेम। डिराइव नेम में आज तक के इतिहास में जो है मेडिकल एग्जाम में AIBMT में कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, आपके मॉड्यूल में बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बिनोल के नाम से,
तो भाई साहब जो ये अल्कोहल है, अल्कोहल का जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन नेम क्या होता है? कार्बिनॉल। अल्कोहल का जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा? कार्बिनॉल। तो इस वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कार्बिनॉल। तो जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया गया और आपसे पूछा जाए कि इसका डिराइव नेम लिखे, कौन सा नेम? डिराइव नेम। तो बताओ इस वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कार्बिनॉल। इसको ब्रांच लिख देते हैं क्या? मिथाइल। तो नाम क्या आया? मिथाइल कार्बिनॉल। अगर इसका नाम मिथाइल कार्बिनॉल है तो बताओ इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल कार्बिनॉल। अच्छा, इसका नाम डाई मिथाइल है तो इसका नाम क्या है? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, इस तरह से नाम लिखेंगे। जैसे साहब ये फोटो दे दिया, ये वाला पोर्शन जो है इसका नाम क्या है? कार्बिनॉल। इसका नाम बताओ क्या है? इथाइल कार्बिनॉल। भाई साहब यहां पर जो है मैंने एक और ईटी लगाया, बताओ नाम? डाइथाइल कार्बिनॉल। तो इसका जो कॉमन नाम होता है वो कॉमन नाम क्या होता है? सॉरी, डिराइव नेम क्या होता है? कार्बिनॉल। अब साहब यहां पर जैसे ये फोटो आपको दे दिया, ये बताओ आइसो है या नियो है? टोटल करी ना 5, तो इसका नाम है नियो पेंटाइल। क्या नाम है? नियो पेंटाइल। और साहब ये OH लगा दिया तो इसका नाम है नियो पेंटाइल एल्कोहल। तीन तरह के नाम है, नियो पेंटाइल एल्कोहल तो कॉमन नाम है, IUPAC में एक एंड से दूसरे एंड पे सिलेक्शन करके हम IUPAC भी लिख सकते हैं। अगर इसका डिराइव नेम लिखना है तो भाई साहब ये बताओ इसको क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। और ये पूरा ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसका नाम डिराइव नेम क्या आएगा? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछ ले कि नियो पेंटाइल अल्कोहल का डिराइव नेम क्या होता है तो नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। ठीक है, दूसरा तो ये एक एग्जाम्पल था, तो इसको आप जो है सॉल्व कर लेना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मगर कोई भी मेजर में कॉमन वगैरह नेम वगैरह मेजर टेस्ट में, कॉमन टेस्ट में डिराइव नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, मगर मिलने वाला है फॉर्मिक एसिड का नाम मिल जाएगा, एसिडिक एसिड मिल जाएगा, प्रोटोनिक मिल जाएगा, तो उसके ऊपर हमने अच्छे से काम कर लिया। ठीक है, तो आप जो है उसी के नीचे कॉमन नेम के नीचे ये जो है यहाँ हेडिंग लिख लो, डेराइव नेम ऑफ एल्कोहल, डेराइव नेम ऑफ एल्कोहल, डेराइव नेम ऑफ एल्कोहल। ₹677 मार्क्स पे 10,291 रैंक। मार्क्स इसलिए बात नहीं करना है, पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया अब। ठीक है, हो सकता है कुछ सालों बाद सास वाले को कॉलेज ही ना मिले। चलो छापा, अगला हेडिंग लिखो इसी में, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज छोटे छोटे टॉपिक थे जो स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं, मैंने सोचा उसको लास्ट में पढ़ते हैं, पहले इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। होमोलोगस सीरीज इसी में, ये तो हो गया इसका एल्कोहल का ड्राइव नेम था। अगला हेडिंग लिखो होमोलोगस सीरीज। लिखा, देखो होमोलोगस सीरीज के बारे में वैसे तो जब मैं आपको कॉमन नेम पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बता दिया, फिर भी हमारे काम की जो बात है, वैसे कोई आज तक जो है नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम में होमोलोगस का क्वेश्चन नहीं है, तो लिख लो फिर भी इसका नाम, इसके बारे में लिखो। दोस कंपाउंड विच आर हैविंग, दोज कंपाउंड विच आर हैविंग
सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला नॉन एज अ, जनरल फॉर्मूला नॉन एज अ होमोलोगस। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव होमोलोगस, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव होमोलोगस इज CS2, इज CS2 इन द सीरीज, इन द सीरीज इट विल बी मल्टीपल ऑफ CS2, इन द सीरीज इट विल बी मल्टीपल ऑफ CS2। नेक्स्ट लाइन में लिखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट में लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस, बताओ सेम या डिफरेंट, डिफरेंट इज डिफरेंट, लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, बट केमिकल प्रॉपर्टीज इज सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज इज सेम। सेम होगा, ओके बोर्ड पर देखेंगे। देखो बच्चों, होमोलोगस का मतलब होता है, होमो मतलब सेम और लोगस मतलब सेम जाति वाला, ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम। मतलब एल्डिहाइड का होमोलोगस भी क्या होगा, एल्डिहाइड, एसिड का भी क्या होगा, एसिड, अमाइन का भी क्या होगा, अमाइन, एल्कोहल का भी क्या होगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड का क्या होगा, एल्डिहाइड, ईस्टर का क्या होगा, ईस्टर। बताओ एल्डिहाइड और एसिड क्या एक दूसरे के होमोलोगस हैं क्या, क्यों नहीं है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। तो भैया यहां पर होमोलोगस के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम, और जनरल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, सेम। हो सकता है जनरल फॉर्मूला जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों यहां पर अगर कोई आपसे पूछे यहां कितनी करीना है, एक, यहां कितनी है, दो, यहां से यहां जाएं तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, CS2। यहां बताइए कितनी करीना है, यहां कितनी है, अगेन यहां से यहां जाएं तो कितने का डिफरेंस आता है, CS2 का। बताइए क्या ये दोनों के बीच में CS2 का डिफरेंस आ रहा है क्या, तो दो सक्सेसिव होमोलोगस में कितने का डिफरेंस होता है, CS2 का, ठीक है। और यहां पर CS2 आगे डिफरेंस आता चला जाता है, बताइए फर्स्ट और लास्ट में CS2 का डिफरेंस है या मल्टीपल ऑफ CS2। तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर में CS2 के मल्टीपल का डिफरेंस होता है, और दो सक्सेसिव में कितने का डिफरेंस होता है, CS2 का, ठीक है। स्टेटमेंट आ गया, होमोलोगस सीरीज के मेंबर में मल्टीपल ऑफ CS2 का डिफरेंस होता है, सही है या गलत है, होमोलोगस के सक्सेसिव मेंबर में CS2 का डिफरेंस होता है, सही है गलत है। बच्चों यहां पर ये एसिड कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, बताइए यहां से यहां जाने पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, CS2, अगेन आगे जाने पर CS2। तो बताइए होमोलोगस होने के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, सेम, ठीक है। अब बात करें यहां करीना कितनी है, एक, यहां कितनी है, यहां कितनी है, बताइए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मॉलिक्युलर मास बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और मॉलिक्युलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी का नाम फिजिकल प्रॉपर्टी,
बताइए होमोलोगस सीरीज के मेंबर के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, सेम या डिफरेंट? ओके, अब स्टेटमेंट का जवाब दीजिएगा। होमोलोगस सीरीज के मेंबर के फंक्शनल ग्रुप कभी कभी डिफरेंट होते हैं। होमोलोगस सीरीज के मेंबर के फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। कहानी क्लियर है? ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम करते हैं बच्चों। बाकी सारे केस में हम कार्बन का डिग्री देखते हैं, मगर नाइट्रोजन के केस में हम कार्बन का नहीं, नाइट्रोजन का डिग्री देखते हैं। इस नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितने आर जुड़े हैं? एक। यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कितने आर जुड़े हैं, और यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कितने आर जुड़े हैं, तीन। ये कौन सा माइन है? टर्शरी। ये कौन सा? सेकेंडरी। ये कौन सा? प्राइमरी। क्या आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन चमक रहा है क्या? तो बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन के बारे में बात करें, बताओ ये कौन सा अमाइन है, प्राइमरी या सेकेंडरी? बताओ नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना? एक। ये अब बताओ नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना? एक या दो? ये भी कौन सा अमाइन? प्राइमरी। अच्छा ये बताइए ये कौन सा अमाइन है? अच्छा नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी, कौन सा अमाइन? सेकेंडरी। ये बताओ ये कौन सा अमाइन है? अच्छा ये अगर कोई आपसे पूछे कौन सा अमाइन है, अच्छा ये बताओ ये कौन सा अमाइन है? बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कंसीडर एज अ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी अमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी अलग है, टर्शरी अलग है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर है रिएक्शन वाला पोर्शन, जो 12th की एनसीईआरटी है, जिसका नाम है अमाइन। क्या नाम है? अमाइन। उस अमाइन चैप्टर में हम देखते हैं जो रिएक्शन ये प्राइमरी अमाइन देता है वो रिएक्शन टर्शरी अमाइन नहीं देता। मतलब रिएक्शन करने के टेंडेंसी चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने से फंक्शनल ग्रुप आप अलग कंसीडर करते हैं। सर ऐसा क्यों हुआ, फंक्शनल ग्रुप अलग क्यों, रिएक्शन चेंज हो गई? बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन है, नाना पे कितने हाइड्रोजन है, यहां पर कितना होगा? एक। तो हाइड्रोजन का नंबर चेंज होने से बच्चों रिएक्शन चेंज हो जाती है। तो जब रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। तो बताओ होमोलोगस होने के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? मतलब 1 डिग्री अमाइन का होमोलोगस भी क्या होगा? 1 डिग्री। 2 डिग्री का क्या होगा? 2 डिग्री। 3 डिग्री अमाइन का? बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है? मगर दोनों में तो CH2 का डिफरेंस आ जाता है। तो होमोलोगस होने के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। उसके बाद किसका डिफरेंस देखना है? CH2 का। तो बच्चों यहां पर ये बताइए कौन सा माइन है? प्राइमरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। क्या दो सक्सेसिव में CH2 का डिफरेंस आ रहा है? ये कौन सा है? सेकेंडरी। ये कौन सा है? सेकेंडरी। क्या दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बताइए 1 डिग्री अमाइन का होमोलोगस भी क्या होगा? 1 डिग्री। 2 डिग्री का? क्योंकि होमोलोगस के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। तो भाई होमोलोगस पढ़ाया इसलिए मैंने, ताकि आपको ये अमाइन वाला केस समझ में आ जाए। तो बताइए होमोलोगस होने के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या रखने होते हैं? सेम। सारे एग्जाम्पल लिख लो।
छाप लिया। जिसने नोट कर लिया है, वन साइड पेज छोड़ दो और नया हेडिंग लिखो आइसोमेरिज्म। जिसने छाप लिया है वन साइड पेज, इस एक ये इधर लिखा हुआ है, सिर्फ ये छोड़ दो। बाय चांस कोई पॉइंट छूट गया है या कोई चीज ऐड करनी है, उसके लिए हर टॉपिक के बाद हम वन साइड पेज छोड़कर चलेंगे। कोई जेई का ऐसा क्वेश्चन है जो अभी एडवांस में रिसेंटली आया है, मान लीजिए उसे हमें ऐड करना पड़ा, जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे उसमें। अगला हेडिंग लिखें आइसोमेरिज्म। छाप लिया। देखो, अगले 10 लेक्चर के बाद जो है आपको एक बहुत बड़ी समस्या परेशान कर सकती है, उस परेशानी पर हम आज ही से काम करना चालू करेंगे। आपको लगेगा यार क्या फालतू बात है, मगर वो फालतू बात हमारी जीओसी को मक्खन बना देती है। क्या बनाती है? मक्खन। जैसे है, जो आईयूपीएससी हमने पढ़ लिया है, एक बार फिर जाके माइक्रो एनालिसिस कर लेना नोट्स का, और बाकी जो उसका फेफड़ा है वो हम क्लास में यूज करते रहेंगे। मतलब 30-40 सेकेंड में पूरा नॉमनक्लेचर हम बोल के खत्म कर देंगे। 30-40 मिनट या सेकेंड, सेकेंड, ठीक है, 30-40 सेकेंड में उस फाइल को कंप्रेस कर देंगे। एल्डिहाइड ईस्टर पढ़ते रहना, एल्डिहाइड एंड ईस्टर पढ़ते रहना है, जहां पर आपको डाउट बन सकता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आईयूपीएससी हमने पढ़ा, बताओ सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद डॉन, डॉन के बाद डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा। अच्छा नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, पीसीसी के बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद, अच्छा अमाइन को डॉन के फॉर्म में, अमाइन, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिडालाइट, एसिडालाइट, कॉमन नेमिंग में कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप में, एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपियॉन, चार के लिए ब्यूटाइल, पांच के लिए वेलर, थ्री कार्बन वन बाई बॉन्ड एक्राइल, फोर कार्बन वन बाई बॉन्ड क्रोटोन, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का एक एसिड, ईस्टर का एक, साइनाइड का याद रहेगा, इतना सामने पढ़ लिया। सीएच पर दो CH3 नजर आए तो आइसो, नियो बनने के लिए पांच, बाकी हम देख लेंगे कार्बन का डिग्री, कर सकते हो। चलिए, दो चार पांच रिएजेंट भी हमने याद कर रहे थे, ZnHgCl क्या है? मेंशन मेंशन क्लीमेंच, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, NH2 NH2 KOH, ये भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, रेड फास्फोरस का क्या नारा? जो जो भी टकराएगा अल्केन, सोडियम बोराइडेट कितनों को? पांच को, कितनों को? तीन को, किस किस को? एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनेगा? अल्कोहल, क्या बनेगा? अल्कोहल। अब बच्चों हम अगले 10 लेक्चर के बाद वाली समस्या पे काम कर रहे हैं। क्या मैंने नफरान वाला ऑर्डर याद करा दिया? सुनाओ, नफरान, न ऋतिक, न हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन अमाइन बेंच इन, याद रहेगा। ओके ये बताओ, मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा NO2, क्या लिखा? NO2। बताओ NO2 का फोटो जो रहता है वो इस तरह का रहता है। बताओ NO2 के फोटो में डबल बॉन्ड प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट वालों मैंने बोर्ड पे लिखा, उसके बाद भी आप एब्सेंट बोल रहे हो, ठीक है। बताओ NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? जिसमें डबल बॉन्ड है वो डबल बोलना है, ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बोलना है, सिंगल बॉन्ड है सिंगल बोलना है। अब डबल ट्रिपल क्या है भाड़ में जान दो, अभी बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ वो सब सच है, जो आप सोच रहे हैं सब झूठ है, क्योंकि जैसे ही नीट का पेपर आएगा आपकी आंखें अपने आप खुल जाएगी, सर बोल रहे थे बिल्कुल सच था। ये बताओ मैंने CHO लिखा, CHO का नाम क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फोटो, NO2 का फोटो,
अच्छा यहाँ पर मैंने एसिड लिखा, बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का फोटो डबल। यहाँ मैंने कीटोन लिखा, बताओ कीटोन का फोटो। बच्चों ये डबल फोटो अगर आपको जो है एग्जाम की बात करें दिखाई नहीं देगा, आपको देखना है मन की आंखों से। कौन सी आंखों से? मन की आंख। और अगर आपकी मन की आंखों में मोतियाबिंद आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, एल्डिहाइड का फोटो, NO2 का फोटो, एल्डिहाइड का, एसिड का, कीटोन का। क्या एग्जाम में हमें एग्जामिनर जो है ऐसे ऐसे लिखकर इस तरह से बना कर देगा? नो, मन की आंखों का यूज करना है, ऐसा लिखा होगा। बताओ ये एल्डिहाइड है या अल्कोहल? इसका फोटो, ये रिंग का नहीं देखना अंदर, सिर्फ इस ग्रुप का देखना है। इसका फोटो डबल। बच्चों यहां पर मैंने CN लिखा, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? साइनाइड का फोटो ट्रिपल, साइनाइड का फोटो ट्रिपल। तो मन की आंखों का यूज करना है, मैंने लिखा OH, OH का फोटो सिंगल। अच्छा मैंने यहां लिखा NH2, NH2 का फोटो डबल या सिंगल? बताओ NO2 का फोटो है, OH का। इसलिए हाई अलर्ट मोड पे आ जाइए, बताइए OH, एल्डिहाइड है। अच्छा नो धोखा, NO2, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, साइनाइड, OH, NH2, एल्डिहाइड, 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 कीटोन, 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 OH, OH, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। नाम से आएगा ना एग्जाम में, तो बेंजीन पे एल्डिहाइड नाम क्या है? बेंजाल्डिहाइड। बताओ एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, 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 OH, फिनोल। अब पहले तो फिनोल का फोटो बता रहे, बेंजीन पर OH क्या नाम है? फिनोल। तो बताओ फिनोल का फोटो, NO2 का फोटो, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, 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 बेंजोइक एसिड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फिनोल, फिनॉल, 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 साइनाइड, साइनाइड, बेंजोनाइट्राइल। कूल, देखो भाई साइनाइड का कॉमन नेम होता है ओ नाइट्राइल, और यह है बेंजो, तो नाम क्या है? बेंजो नाइट्राइल। तो बताइए बेंजो नाइट्राइल का फोटो ट्रिपल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या होगा जब बेंजोनाइट्राइल का रिएक्शन होगा बाद में, पहले फोटो पता होना चाहिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करा, बाद में पता है, पहले फोटो पता होना चाहिए, ठीक है? वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलो अब मैंने इसको रब कर दिया, अभी लिखना नहीं है, जब GOC पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले डबल ट्रिपल ही दिखाऊंगा। अभी बहुत सारे सोच रहे क्या चल रहा है, चलने दो, जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है? शिकार कर रहे हैं ऑर्गेनिक का, किसका शिकार कर रहे हैं? ऑर्गेनिक। हम तो पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म, क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमेरिज्म। बच्चों आइसोमेरिज्म नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, मजेदार टॉपिक है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे फोटो लिखा होता है और ऐसे जनरल फॉर्मूला ऐसे रटते रहते हैं, O2, O, H+2। तो जो रटना नहीं चाहते वो 2 मिनट के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे ये मैंने फोटो लिख दिया और मैंने इस भाई से पूछा, बता भाई इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? तो भाई अभी जो है बिल्कुल आवाज बंद है, पी ऐसे चल रहा है, ठीक है? अभी थोड़ी देर के बाद, 5-6 मिनट के बाद पूरी क्लास आंसर देगी, ठीक है? अभी मत देखो, अब आपको जो है जो भी अधूरा ज्ञान है उसको नहीं अप्लाई करेंगे, पूरे ज्ञान के साथ काम करेंगे। पहले बताओ यहां पर मैंने जो फोटो लिखा, बताओ करीना कितनी है टोटल? भिकमंगे ऐसे गिनते, 3, 2, 5 और 3, 8। दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें भी दिक्कत है, ऐसे करके ऐसे भी, ठीक है? शर्माने की कोई बात नहीं है उसमें। बताओ करीना कितनी है? पक्का? बच्चों अगर मैं यहां पर करीना और करीना के बीच में एक पाई बॉन्ड बना दूं, कौन सा बॉन्ड बना दूं? पाई बॉन्ड। यहां बताओ भिकमंगे कितने? 3, यहां कितने? 2, यहां कितने? 1। अगर किसी पापी को ये लग रहा है, सर आपको कैसे पता लग रहा है यहाँ 3 होंगे, तो करीना जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगी? 4। अब बताओ टोटल करीना कितनी? 3।
पानी पिलाओ, ठीक है। टोटल वापस वापस सीधा, टोटल करीना कितनी? तीन। टोटल भिख मंगे छह। क्या यहां से यहां आने पर दो हाइड्रोजन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब भी एक पाई बॉन्ड बनेगा, दो हाइड्रोजन कम होगा या नहीं होगा? पक्का या नहीं होगा? बच्चों ये अल्केन है, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एस टू एन प्लस टू। क्या होता है? सी एन एस टू एन प्लस टू। यहां से यहां बताइए, दो हाइड्रोजन कम हो रहा है क्या? तो यहां हो जाएगा सी एन एस टू एन। क्या मैंने दो कम कर दिया क्या? तो एक पाई बॉन्ड आते ही जनरल फॉर्मूला बताओ क्या है? सी एन एस टू एन, और सारे सिग्मा है तो सी एन एस टू एन प्लस टू। क्लियर बच्चों? हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद मैंने सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच थ्री यहां लिखा। बताओ क्या यहां से यहां जाने पर और हाइड्रोजन लेस हो गए क्या? दो करीना और भिकमंगे चार, सॉरी तीन करीना और भिकमंगे चार। क्या अगेन दो हाइड्रोजन लेस हो गए? तो इस जनरल फॉर्मूला में सी एन एस टू एन माइनस टू नहीं आया। चलिए उसको भूल जाओ, सारे सिग्मा जनरल फॉर्मूला सी एन एस टू एन प्लस टू एक पाई सी एन एस टू एन। हाँ ठीक है, अब कोई बात नहीं, कर देंगे व्यवस्था, टेंशन मत ले, ठीक है। ऑल पापीज गेट रेडी। पहले बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? एल्डिहाइड का फोटो डबल या ट्रिपल? पाई बॉन्ड है या नहीं है? दो हाइड्रोजन कम होगा नहीं होगा? क्या आएगा? सी एन एस टू एन ओ। एक एक ओ था तो मैंने क्या लगा दिया? ओ नहीं आया। वापस से एल्डिहाइड का फोटो दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है? मन की आंखें वर्किंग या नॉट वर्किंग? तो ये मत सोचना कि डबल फालतू है, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लगेगा ये का हो गया, हमें आ गया, ठीक है। ओके वापस से देखिएगा, यहां मैंने फोटो बनाया, बताओ क्या यहां पर OH है? क्या OH का फोटो जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू ओ। एक ऑक्सीजन है तो क्या लगा दिया? ओ नहीं आया। अच्छा बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? कीटोन में पाई है या नहीं है? जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन ओ। आया नहीं है। कर लोगे? जनरल फॉर्मूला बनाना आया नहीं है। ओके ये बताओ, ये मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा, एल्डिहाइड है कीटोन है, एसिड का फोटो सिंगल या डबल, या ऑक्सीजन एक है या दो है? तो भाई क्या हो गया? सी एन एस टू एन ऑटो। मोटू या ऑटो, समझ में आ रहा है? अब जनरल फॉर्मूला अपने आप बन गया, बनेगा नहीं बनेगा तो घर जाके कॉपी लेके ऐसे रटना नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर मैं जनरल फॉर्मूला वॉर्मूला जो है मैंने नॉमेनक्लेचर में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे जरूरत आइसोमेरिज्म में, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो है उस कहानी को सिखा दिया आपको। ये साहब यहां से यहां आए, अब हमने इन तीन करीना को एक रिंग के फॉर्म में बांध दिया। बताओ यहां भिकमंगे कितने? यहां कितने? यहां कितने टोटल करीना भिकमंगे? पक्का? ओके तीन करीना छह भिकमंगे, तीन करीना छह भिकमंगे। बताइए यहां से यहां आने पर अगेन दो हाइड्रोजन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जनरल फॉर्मूला में से भी क्या दो हाइड्रोजन कम होगा? क्या आएगा? सी एन एस टू एन। आया नहीं है। चलिए एल्डिहाइड का दिमाग में इमेज आ रहा है? नहीं आ रहा। फिनॉल का इमेज आ रहा है? एक बेंजीन, उस पर क्या लगा है? एन एस टू। क्या लगा है? एच। क्या लगा है? ओ एच। क्या है? फिनॉल। बेंजीन पर एल्डिहाइड लगाया नाम बेंजल्डिहाइड, एसिड लगाया नाम बेंजोइक एसिड, साइनाइड लगा है नाइट्रोबेंजीन बेंजो नाइट्राइल। क्या नाम है? बेंजो नाइट्राइल। बताओ एल्डिहाइड का फोटो कीटोन 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 ओ एच फिनॉल फिनॉल बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड बेंजो नाइट्राइल। देखो भाई हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइसोमर। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे कंपाउंड
मैं कोई डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं लिखा रहा। उन सब पापियों को जो ऐसे फोटो बनाने पर अलग दिखते हैं, वो बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अलग नहीं है, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। अभी दिख रहे हैं बहुत सारे, ऐसा है, ये अलग ही है, ठीक है। तो जो ऐसे आइसोमर्स पढ़ता है वो निपट जाता है भाई। मॉड्यूल में दो चार जो क्वेश्चन लिखे हैं आपके नोट्स में, जो दो चार लिखे हैं वो सही हो जाते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बन जाए उससे हम क्वेश्चन का शिकार करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। बच्चों, आइसोमर होने के लिए ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम। अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर का कोई वजूद नहीं। तो आइसोमर होने के लिए मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला मतलब जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर है उतने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उधर होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा, बताओ करीना कितनी है, भिकमंगे। दो करीना के साथ भिकमंगे कितने आते हैं, यहां से गिनते हैं ऐसे, तीन और तीन छह, कितने आते हैं, छह, ठीक है। 10 के साथ 500 के साथ, ओके। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो करीना का नंबर है उसका डबल करो और उसमें दो ऐड कर दो। चार करीना को डबल करो, उसमें दो ऐड करो। जो नंबर मैं बोलूंगा उसका डबल करके दो ऐड करना, ठीक है। बच्चों, यहां पर अगर मैंने ऐसा फोटो बनाया, बताओ करीना कितनी है, भिकमंगे। करीना कितनी है, भिकमंगे। दो करीना के साथ भिकमंगे कितने हैं, बताइए। क्या दो हाइड्रोजन कम होने पर एक पाई बॉन्ड आता है या नहीं आता, या नहीं आता है, पक्का। अभी मैं नाम से फोटो से ऐसी आग लगाने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। बताओ दो करीना के साथ भिकमंगे, भाई हो गया आज का, मेरे लिए पानी नहीं है, ठीक है। बताओ दो करीना के साथ भिकमंगे कितने, छह। तीन के साथ, समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, तीन का दुगना छह, छह में दो ऐड करा, जो भी नंबर बोलूंगा उसका दुगना करके दो ऐड कर देना, रेडी। बताओ दो करीना के साथ भिकमंगे, चार, नौ, 20, 22, 42, 42। वापस दो करीना, तीन, चार, नौ, 20, 22, ओके, 22, 50, 102, आ गया, ओके। बताओ दो हाइड्रोजन कम होते हैं तो पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, कितना पाई बॉन्ड। अगर दो हाइड्रोजन कम होते हैं तो साइक्लिक रिंग बनता है या नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। बताओ करीना कितनी है, बताइए। इस करीना के दिल में भिकमंगे तीन, या दो, या तीन। क्या तीन करीना और आठ भिकमंगे हैं, बताइए। यहां से यहां जाने पर मैंने एक पाई बॉन्ड बनाया, तो एक पाई बॉन्ड बनाने पर क्या दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं क्या। अच्छा, इसका ही अगर मैं रिंग बना दूं तो तीन करीना और छह भिकमंगे, क्या अगेन दो हाइड्रोजन कम हो गए। अब दिलो दिमाग में सेट कर लेना, क्या एक पाई बॉन्ड बनने पर दो हाइड्रोजन कम होता है, क्या एक रिंग बनने पर भी दो हाइड्रोजन कम होता है। तो रिंग आएगी तो हाइड्रोजन कम होगा या नहीं होगा, ये बात इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन हाइड्रोजन गिनना भूल जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, और इतना टाइम नहीं होगा कि हम हाइड्रोजन गिन पाए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बताओ दो करीना के साथ भिकमंगे, तीन के साथ, चार के साथ, 10 के साथ, 8 के साथ, 20 के साथ, बिल्कुल बिजली की रफ्तार, 50 के साथ, 100, 200, 1000, 2000, 2, 5, 4, 7, 8, 9,
गणित में जो आता है जिसका दिखावा तो करेंगे ना कि सर 7 के बाद 8 आता है, ठीक है? ओके, 9, 10, 11, गलत हो जाए, आगे बढ़ो, 11, 12, 12, 10, 8, 6, 2, 3, 9, 20, 50, ओके वापस आ जाओ, मतलब आपको पता लग गया। अब मैं बोर्ड पर फोटो बना रहा हूं, इस फोटो को देखकर बताओ यहां पर हाइड्रोजन कम है या नहीं है। स्टाइल तगड़ा था झूठ बोलने का, है फिर नहीं है। बताओ करीना कितनी है? अब फटाफट क्वेश्चन चेंज कर दिया, हाइड्रोजन कम है या नहीं है, है? पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? अच्छा बताइए हाइड्रोजन कम है या नहीं है, पाई बॉन्ड आएगा? अब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहा हूं, बताना पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा। C2H6, C2H4, C3H8, C3H8, C3H6, C4H10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहा हूं, बताना पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा। C4H10, C4H8, कितना पाई बॉन्ड? C4H6, कितना आएगा? तो हाइड्रोजन का मोटे पाई ऐड करते चलना, ठीक है? ओके बताओ पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, है? संभल के खेलना पाई बॉन्ड। अच्छा आप बताइए पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, क्या हाइड्रोजन कम है या नहीं है? ओके आप बताइए पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा। एल्डिहाइड में पाई बॉन्ड आता है क्या या नहीं आता है? अच्छा बताइए पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? कहानी क्लियर है? हम पढ़ रहे हैं आइसोमर। क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमर। बच्चों आइसोमर के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से वापस से कनेक्ट हो जाइए। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब इधर जितनी करीना उधर उतनी करीना, इधर जितने हाइड्रोजन उधर उतने हाइड्रोजन, इधर जितने ऑक्सीजन उधर उतने ऑक्सीजन। बहुत सारे कार्बन देख के मॉलिकुलर फॉर्मूला चेक करते हैं, नहीं भाई सब कुछ सेम होना चाहिए। अब देखो आपका रफ्तार कैसे बढ़ेगा, बताओ भिकमंगी करीना कितनी है? बताओ कोई पाई बॉन्ड आ रहा है क्या? 4 के साथ भिकमंगे, तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H10। नहीं आया। बताओ करीना कितनी है? रिंग बन रही है क्या? दो हाइड्रोजन कम होता है क्या? क्या आएगा? C4H8। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है? आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। तो सिर्फ कार्बन देखकर आइसोमर चेक नहीं करना, ठीक है? अब हमारा रफ्तार बढ़ गया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भिकमंगे कितने? भिकमंगे C4H8, क्या दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है? तो आइसोमर होने के लिए मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है? चलो बताओ यहां पर मैंने फोटो बनाया, बताओ करीना कितनी है? 5 के साथ भिकमंगे है? अच्छा अब बताओ भिकमंगे, अब बताओ भिकमंगे, अब बताओ भिकमंगे, बिना गिने आंसर आ रहा है, ठीक है? चलिए ये बताइए यहां पर कोरीना कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भिकमंगे, अब बताइए भिकमंगे, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, क्या है ये? C6H6। नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो भाई भिकमंगे गिनना आया या नहीं आया? तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ करीना देखोगे क्या? ओवरऑल देखना है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम। अब साहब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी से इस टॉपिक में कनेक्ट करूंगा। जैसे मैंने यहां पर फोटो बनाया CH3CH2, बच्चों एग्जाम में तो ऐसे लिखा होगा, आपको मन की आंखों से चेक करना है इसका फोटो डबल है या ट्रिपल। तो मन की आंखों से फोटो ये वाला आ गया COOH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों यहां पर मैंने ऐसा फोटो बनाया और ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप?
अब दो तरह के स्टूडेंट है, या तो हाइड्रोजन गिनेंगे या मेरी तरह फास्ट सॉल्व करेंगे। करीना कितनी तीन के साथ भिक मंगे, आठ। यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है क्या, तो कितने छह, C3H6O2, मोटू या ओटू। करीना कितनी तीन, पाई बॉन्ड आ रहा है तो भिक मंगे छह। बताओ क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब कनेक्ट होते हैं आइसोमर। आइसोमर वो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, फिर भी वो कंपाउंड अलग हो, फिर भी वो कंपाउंड अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। क्या है कहानी, क्लियर है? अब साहब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ये रटते हुए देख, बात कोई नहीं करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये रट, ओ भाई लास्ट में भगा दूंगा मैं तीनों को, लास्ट क्लास हो सकती है आप चारों की, लास्ट वार्निंग है, नो डिस्टर्बेंस, ठीक है? ओनली फालतू तरीके से इंपॉर्टेंट बातें चल, ठीक है? और कोई औचित्य नहीं मेरा फालतू बात, ठीक है? वापस आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भाई? यहां पर जो है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम, फिर भी दोनों क्या है, अलग। अब साहब ये मान के चलो कि हजारों साल पहले जब आइसोमर्स के बारे में पता ही नहीं था, तो उस समय कैसे पता लगा, भाई क्या अलग हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे, कितने साइंटिस्ट थे, दो, नाम बताओ, आपका नाम बताओ, अबे अनुभव, हमें दो साइंटिस्ट, आपको साइंटिस्ट बना दो, कोई दिक्कत, थोड़े से हंसेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? और मैं डिसाइड करूं, तू वकील है क्या, ठीक है? नाम अनुभव, एक साइंटिस्ट तो थे अनुभव और दूसरे सुनील, सोहेल, ठीक है, अक्षय। देखो भाई एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अनुभव और एक का नाम था, अरे रुक गया भाई, खड़ा हो, हाँ ओके, अब बताओ हर्षित, कोई दिक्कत तो नहीं, साइंटिस्ट बना रहा है, ठीक है? चलो बहुत ध्यान से सुनिए, खड़े रहो, ठीक है? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था अनुभव और एक का नाम था हर्षित। हजारों साल पहले बाबा आजम के, यूं समझ लो अकबर के जमाने की बात, कौन से जमाने की, अकबर के। भाई ये बात करने जा रहा हूं कि आइसोमर्स पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा हमें, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस समय दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था अनुभव और एक का नाम था हर्षित। तो भाई साहब ये केमिस्ट्री के इतने दिग्गज साइंटिस्ट थे, इतने जबरदस्त रिसर्च ये केमिकल वेमिकल की कर रहे थे, तो साहब जो ये हर्षित था, इसकी तो अकबर के दरबार में थोड़ी जान पहचान थी, जैक चेक थी, तो भाई तो वहीं पे नौकरी लग गई इसकी, तो वैज्ञानिक सलाहकार बन गया। क्या बन गया, वैज्ञानिक सलाहकार। अब साहब जो है ये हर्षित अकबर के बगल में बैठ के उसको ज्ञान पिलाता रहता था कि साहब ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? अनुभव ने जो है अकबर की कायनात, यू नो कायनात, ठीक है, अकबर की कायनात के बाहर जाकर जो है उसने जो है अपनी एक झोपड़ी बनाई, ठीक है? और उस झोपड़ी में बिल्कुल केमिस्ट्री के सारे केमिकल वगैरह सब रख दिए, और डेली जो है अनुभव सुबह नहा धो के जो है लैब में एंटर करता था, और दिन भर जो है उल्टे सीधे ब्लास्ट करके जो है शाम को काला होके बाहर निकलता था, ठीक है? अनशन, बैठ जाओ बेटा, ठीक है, अनशन जो है ये प्रैक्टिस कर रहा था। तो एक दिन अकबर का दरबार चल रहा था, तो वहां पर आवाज आ रही धुआं धूं धुआं धूं, तो अकबर ने पूछा भाई ये क्या है, तो वहीं पर अंतरिक्ष मंत्री बैठे थे, उन्होंने बोला साहब एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसका नाम है अनुभव, और बहुत ही मतलब बड़े बड़े टेस्ट जो है हमारी कायनात में कर रहा है। तो अकबर ने बोला उसे हमारी कायनात में पेश किया जाए, ठीक है? हर्षित का दिमाग खराब हो गया कि तो नौकरी खा जाएगा मेरी, ठीक है? तो साहब जो है यहीं से जो है अकबर के दरबार से दो लोग जो है संदेशा, मैसेज नहीं, संदेशा लेकर, वो वाला, ठीक है, यू नो, ठीक है, वो लेकर पहुंचे और बोला साहब आपको जो है कल जहांपनाह ने बुलाया है, ठीक है? अब साहब जहांपनाह ने बुलाया है तो पहली बार अनुभव मिलने जा रहा है, कुछ तो गिफ्ट लेकर जाएगा। अब केमिस्ट्री का साइंटिस्ट क्या केमिकल लेकर जाएगा, तो भाई ने एक बाल्टी में तो ये भर लिया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C3H6O2। अभी इसको पता नहीं इसके अंदर क्या है, मगर इसको पता है इसके अंदर क्या है, C3H6O2। और दूसरी बाल्टी में ये भर लिया जिसके अंदर भी क्या है, C3H6O2, ठीक है? और दोनों बाल्टियां लबालब भर के दूसरे दिन जो है अकबर के दरबार में पहुंचा, बोला जहां पना तोहफो कबूल करो। क्या बोला? अब साहब जो है बहुत ध्यान से सुनना, जैसे इसने वो दोनों बाल्टियां वहां पर गिफ्ट रखी, हर्षित का दिमाग खराब हो गया कि पहले ही दिन गिफ्ट,
मतलब नौकरी खा गया मेरी। इसके अंदर का साइंटिस्ट जगा, इसने बोला हमें कैसे पता लगेगा कि दोनों बाल्टियों की क्वालिटी बहुत अच्छी है या बहुत बढ़िया है। तो साहब इसके अंदर का साइंटिस्ट रोने लगा कि एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। तो इसके अंदर के रोते हुए साइंटिस्ट ने इसके अकॉर्डिंग दोनों बाल्टियों में क्या भरा हुआ है, C3H6O2। तो जैसे ही इसने जो है इसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए इस बाल्टी में हाथ डाला जिसमें एक्चुअली था ईस्टर, क्या था, जैसे ही बाल्टी में हाथ डालकर हाथ बाहर निकाला, पूरा माहौल जो है मंत्रमुग्ध टूटी फ्रूटी हो गया, क्योंकि ईस्टर का स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी। अकबर खुश हो गया कि मेरे को तो डेंड्रफ मतलब वो डीओ मिल गया। क्या मिल गया, डीओ मिल गया, क्या आप तो जो है यू कर। ओ भाई का दिमाग खराब हुआ कि यार ये तो निपटा गया, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C3H6O2 इसके अंदर क्या था, ईस्टर। भाई को पता था दूसरे के अंदर भी क्या है, ईस्टर, मगर एक्चुअली इसमें क्या है। साहब इसके अंदर का साइंटिस्ट फिर इसने बोला हमें कैसे पता लगेगा दूसरी बाल्टी में भी वही है। अंदर का साइंटिस्ट फिर रोने लगा कि एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट, इसमें एक्चुअली क्या था, एसिड। भाई ने जैसे यहां से जो है इसमें उंगलियां डाली और बाहर निकाली, उंगलियां आई नहीं अंदर गई, मतलब लिक्विड उंगलियों के साथ रिएक्शन कर रहा था और उनको गला दिया। इसका साइंटिस्ट रोने लगा कि मेरी उंगलियां कहां गई। उसने भाई ने दूसरा हाथ डाल के उंगलियां ढूंढी, ठीक है, अब हाथ रह गया। हर्षित इस बात को समझ चुका था कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, फिर भी दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर भी दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। सब जब हाथ बाहर नहीं आया तो ये कंफ्यूज हो गए कि यार हाथ भी कहीं गया, उंगलियां भी कहीं गई। तो भाई ने जो है मुंडी डालकर देखा, ठीक है, और भाई वही विलुप्त हो गया। मतलब एक लिक्विड हाथ से रिएक्शन कर रहा था और दूसरा लिक्विड हाथ से रिएक्शन नहीं कर रहा था, और रिएक्शन करने के प्रॉपर्टी का नाम होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या नाम था, अब बहुत ही प्यारा डेफिनेशन यहां पर आएगा कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, फिर भी दोनों क्या होते हैं, अलग। क्या अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों ईस्टर का बीपी अलग होता है, एसिड का बीपी अलग होता है, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग। एक बहुत ही खूबसूरत सा डेफिनेशन यहां पर आया कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। डेफिनेशन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलिएगा, आइसोमर्स टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। आइसोमर्स पढ़ने के लिए बात करते हैं, जैसे मैंने यहां फोटो लिखा CH3CH2OH और यहां लिख दिया CH3OCH3, बताओ इसमें कितनी करीना, दो के साथ भिक मंगे, गिनना नहीं है फास्ट, कितने हैं, छह। ऑक्सीजन है क्या, यहां दो के साथ भिक मंगे, छह। ओके, क्योंकि दोनों के फोटो सिंगल है, क्या है, सिंगल। बताओ क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिर भी दोनों कंपाउंड सेम है या अलग है, अलग है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। अब क्या अलग है, अगर इसमें मैंने सोडियम ऐड करा तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, और इसमें सोडियम ऐड करा तो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। बताओ दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है या डिफरेंट है। बच्चों एल्कोहल का BPMP अलग होगा, ईथर का अलग होगा, इस तरह की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। नाम सुना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अगर डिफरेंट हो जाए तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आइसोमर, और ये फेनोमेनन क्या कहलाता है, आइसोमर्स। तो बताइए क्या आइसोमर्स का स्टार्टअप समझ में आप लोगों को। तो भाई ये हर्षित ने जो है आगे की खोज करी थी, इसने ही बताया था दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, अलग। बच्चों आइसोमर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कैटेगरी आता है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर। बहुत सारे पापियों को मैंने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नाम से रटते देखा है, मगर ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व वैसे होता ही नहीं है, ठीक है। बताओ आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, सेम। तो आइसोमर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड दूसरा आएगा स्टीरियो आइसोमर।
ठीक है। अब साहब स्ट्रक्चर और स्टीरियो दोनों सेम है या अलग कैटेगरी? मतलब चमकना भी कैसा चाहिए? अलग, तो चलिए चमकेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। और अगर साहब उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए तो उसे आप कौन सा आइसोमर बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने का मतलब है आईयूपीएसी नेम यदि डिफरेंट हो जाएगा तो उसे कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। आईयूपीएसी नाम लिखना आता है क्या? ब्यूट वन इन, ब्यूट टू इन, दोनों आईयूपीएसी नाम सेम है या अलग है? अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और यदि आईयूपीएसी नाम अलग होता है तो वो कौन सा कैटेगरी है? स्ट्रक्चरल। नहीं आया, समझ आ रहा है क्या? मैं आपको समझा पा रहा हूं? ओके, जैसे बच्चों यहां पर मैंने फोटो बनाया है, आप बताओ कितनी करी ना, यहां कितनी करी ना? भिक मंगे 10, भिक मंगे आप बताओ, भिक मंगे ओके, भिक मंगे 8, यहां बताओ भिक मंगे, बताओ क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? दोनों का आईयूपीएसी नाम सेम है या अलग है? अलग है तो कौन सा कैटेगरी? स्ट्रक्चरल। तो बताइए स्ट्रक्चरल के आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं? अलग। ठीक है, तो नाम से ही पता लग जाएगा ये स्ट्रक्चर है या फिर स्टीरियो। तो साहब स्ट्रक्चर में फर्दर कैटेगरी आती है, एक आता है चेन आइसोमर, दूसरा आता है पोजिशनल आइसोमर, थर्ड आता है फंक्शनल आइसोमर, नेक्स्ट आता है रिंग चेन आइसोमर। नाम सुना है रिंग चेन? ओके, नेक्स्ट आता है मेटामर्स या मेटामेरिज्म। देखो आपको क्या आता है क्या नहीं आता उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट करा। और नेक्स्ट जो 6 नंबर आता है उसका नाम है टॉटोमेरिज्म। क्या नाम है? टॉटोमेरिज्म। बताइए चेन आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? आईयूपीएसी नाम है, वेरी गुड। पोजिशन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आईयूपीएसी नाम, फंक्शनल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आईयूपीएसी नाम, रिंग चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब इन सब के आईयूपीएसी नाम क्या होंगे? अलग। अब साहब बात करते हैं स्टीरियो, दोनों अलग अलग चमकना चाहिए, बताओ आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। बच्चों अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं आईयूपीएसी नाम, बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रक्चर पता है कैसे देखते हैं ऐसे, सॉरी ये टेढ़ा ये सीधा है, भाई ये बता इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। क्या दोनों का यूपीएससी नाम सेम है या अलग है? है तो क्या ये स्ट्रक्चरल होंगे या नहीं होंगे? ओके, तो यहां पर बताइए स्टीरियो होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। अब हम बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर आईयूपीएससी नाम अलग हो जाए तो बताओ स्ट्रक्चर का कैटेगरी आएगा या स्टीरियो? आईयूपीएससी नाम अलग हो जाए तो कौन सा कैटेगरी? स्ट्रक्चर। मान लीजिए बच्चों अगर आईयूपीएससी नाम भी सेम हो जाए तो फिर हम क्या चेक करेंगे? स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल के लिए आईयूपीएससी नाम और स्टीरियो के लिए आईयूपीएससी सेम, तो भाई साहब फिर क्या अलग हो जाए? 3D में अरेंजमेंट अगर जो है डिफरेंट आ जाता है तो साहब उसे जो है आप बोलते हैं कौन सा आइसोमर? स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट। कैसे साहब? यहां पर मैंने फोटो बनाया इस तरह से डबल बॉन्ड बनाकर, बताओ करीना कित्तू है, 4 या 5? एक पाई बॉन्ड आ रहा है, पिक मंगे 10 या 8। ओके, यहां बताइए आईयूपीएसी नाम 1 2 3 4, ब्यूट वन इन या ब्यूट टू इन? वन इन। अच्छा ये फोटो बनाया, ये बताओ इसमें करीना कित्तू है? पिक मंगे गिनना नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना है, 8 रहेंगे, अभी मैंने 2 बनाए नहीं, कितने हैं? 8। बताओ क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? दोनों का आईयूपीएससी नाम सेम है या अलग है? सेम है या अलग है? एक ब्यूट टू इन है और दूसरा भी क्या है? ब्यूट टू इन। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और आईयूपीएससी नाम भी क्या हो? सेम, मगर 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, यहां पर बच्चों सेम ग्रुप सेम साइड आता है तो उसे क्या बोलते हैं? सेस। सेम ग्रुप अपोजिट आता है, क्या बोलते हैं? ट्रांस। 3D में अरेंजमेंट सेम है या अलग है? कौन सा आइसोमर है? स्टीरियो। नहीं यार, कोई डाउट है? अब साहब स्टीरियो फर्दर डिवाइड होता है कंफर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन, ठीक है, वो मैंने नहीं समझाया, मैंने सिर्फ आपको आइसोमर का डेफिनेशन समझाया, समझ में आया नहीं आया, मैंने स्टीरियो का समझाया, समझ में आया नहीं आया, छापो फटाफट से।
छाप लिया, इसको छाप लें। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पुराने से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल जो है हाई अलर्ट में आप लोग पढ़ाई करें। और अभी मैं मिलूंगा नहीं डाउट पे, तो कल मॉर्निंग में मैं डाउट पे अवेलेबल रहूंगा, अगर डाउट है तो आप पूछ लें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।